हेलो नमस्ते। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। ये है बरुआ रसम, हमारे यहाँ कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चों के आगे दूल्हा खीर और पूरी देता है, परोसता है, और उसके बाद ये बच्चे सारे अपने में से निकाल कर दूल्हे के आगे रखेंगे, फिर दूल्हा उसी को ग्रहण करेगा। आंगन में जगह कम थी तो इसीलिए 5-7 बच्चों को उठा दिया था और सारे बरंडे में बिठाए गए थे बच्चे, क्योंकि अभी धीरे 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 ना बोलते ना शहरों के स्टाइल से घर बन रहे हैं, तो इसलिए जगह की कमी हो गई। नहीं तो पहले बहुत बड़े आंगन रहते थे। आप लोगों में से कई जन सोचेंगे आंगन तो बहुत बड़ा होता है गाँव में, बिल्कुल रहता है, लेकिन अभी जगह के शॉर्ट आउट हर जगह हो रही है और गीत संगीत हो रहा है। और आई होप आपको वीडियो पसंद है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर बार आप भूल जाते हो, देख कर बस चले जाते हो, देख के बस जाइए मत, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और आगे बढ़ने में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी मदद कीजिए। और मुझे अपना कल्चर दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, सभी को अपना कल्चर दिखाने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं अच्छा लगता है। बहुत सारे गीत संगीत और कुछ ना कुछ किसी न किसी कल्चर से हमारा कुछ ना कुछ लेना देना था और अच्छा रहता। देखे जो टोप लेके रखी इनको भाभी मिलने वाली है, तो कितने मुस्कुराते मुस्कुराते इतनी मेहनत कर रही है, और इस समय भाई इस मेहनत में इनको कुछ भी दर्द नहीं होगा क्योंकि भाभी मिलने लगे। इनको देवरानी मिलने वाली है तो इनको भी कुछ दर्द नहीं होगा, बस ये मगन है कि भाई हमारी देवरानी। जल्दी तब चलो घरे। अभी भीखी देने की रस्म है, पहले मेरे चाचा और चाची देंगे भीखी, उसके बाद सभी भीखी देंगे। और जो गांव के गीत है इसलिए मैंने उस पर म्यूज़िक नहीं डालने की कोशिश की है, क्योंकि वो आप लोगों तक का पहुंच सके कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कल्चरों पर कौन कौन से गीत होते हैं।
अब हमारी मम्मी जी भीखी दे रही हैं और मेरे चाचा चाची का मैंने लिया भीखी देने का, उसके बाद दूल्हे के भाई और भाभी भीखी देते हैं, उनका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि जगह में की कमी के वजह से, क्योंकि पंडित बैठे थे, माड़ो गड़ा हुआ था और बगल में फूफा जी बगल में बैठे थे और फूफा के बगल में बुआ जी ही बैठी थी दूल्हे की, क्योंकि अचरज फूफा जी ही बैठे थे। इसके लिए ज्ञान भी फूफा जी को देना था, इसके लिए मैं इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग की हूँ, आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने किस तरीके से किया होगा रिकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों तक मैं पहुँचा रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम समझ में आए। और आप लोगों ने देखा कि ना फूफा जी कैसे बैठे हुए, भाई ये सारे सामान मेरे हैं, ये मुझको ही चाहिए, इसमें से किसी की साझेदारी नहीं है, और बुआ बगल में बैठ कर सोच रही है तुम घबराओ मत, अगर यहाँ से जाएगा तो मैं पीछे ही बैठी हूँ, मैं पूरा सामान लेके जाऊँगी, छोड़ूंगी नहीं। जस्ट जोक कर रही हूँ, थोड़ी सी मस्ती मजाक तो शादियों में होना ही चाहिए, बिना मस्ती मजाक की शादी कैसी होती है। दूल्हा नाराज होके चल दिया है और पढ़ने जा रहा है, फूफा जी भी जाएंगे, मना नहीं है। अरे न तानो न तानो पैसे लेके चला जा दूल्हा तो बड़ा जल्दी मान गया, फूफा जी ने कहा कि चलो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं और दूल्हे जी चुपचाप चले आए, कुछ नहीं नेक मांगा, बोला चलो ठीक है हमारी शादी हो रही है, हमें जीवन साथी मिल रही है, पूरी ज़िंदगी की लाइफ पार्टनर मिली, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूल्हे जी तो मान कर वापस घर आ रहे हैं, उन्होंने ज्ञान वान सब छोड़ दिया और फूफा जी से कोई जिद नहीं की, कुछ नेक नहीं मांगा। अरे क्या है, बड़ी मज़ा मस्ती आती है ये सारी रस्मों में, सारी कल्चरों में। तो आई होप आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसा हो रहा होगा, अगर आप लोगों के यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मालूम पड़े चाहिए ना, मालूम पड़े चाहिए कि आपको गए और हाथ में निशानी राख चाहिए ना। वो लिखा दियो और 50।